दोस्तों, एक माँ की परवरिश औलाद को कहाँ तक पहुँचा देती है, इसका जीता जागता उदाहरण कैलियन एम्बापे है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अर्जेंटीना के फैंस की सांसें रोककर रख दी और जिसके सामने मेसी जैसा महान खिलाड़ी भी बेबस नजर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो एम्बापे ही थे जो फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस की नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहे थे और वन मैन आर्मी की तरह लड़ते जा रहे थे, जिनके बेहतरीन खेल को देखकर ऐसा लग रहा था कि फ्रांस अर्जेंटीना को हराकर एक बार फिर से विश्व चैंपियन बन जाएगा। क्या कहानी है एम्बापे की और कैसे अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए ये खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया का चमकता हुआ सितारा बन गया। तो दोस्तों, आपको बता दें, एम्बापे की कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस की गलियों से। उनका जन्म 20 दिसंबर सन 1998 पेरिस फ्रांस में हुआ था। जानकारी के लिए बताते चले, इनके माँ बाप मूल रूप से फ्रांस के नहीं थे। इनके पिता सेंट्रल अफ्रीकी कंट्री कैमरॉल से आकर फ्रांस में बस गए थे, जबकि इनकी माँ का परिवार अल्जीरिया से आकर फ्रांस में बस गया था। इनकी माँ का ताल्लुक अल्जीरिया के एक मुस्लिम कबीले से था, जबकि इनके पिता एक क्रिश्चियन परिवार से थे। जानकारी के लिए बता दें, इनके माँ बाप कहने को तो दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन थे। माँ फायजा लामरी वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, जबकि पिता एक फुटबॉल कोच थे। लेकिन दोस्तों, दोनों को इतनी सैलरी नहीं मिल पाती थी कि वो कैलियन एम्बापे को एक अच्छा जीवन दे सके। एम्बापे ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि 8 साल की उम्र तक उनकी कई रातें ऐसी भी गुजरी थी जब एक ब्रेड के खाने के अलावा घर में कुछ नहीं होता था। माँ की आंखों में सिर्फ आंसू होते थे। लेकिन एम्बापे ने इतनी छोटी सी उम्र में भी माँ को दिलासा देते थे और कहते थे कि माँ तुम फिक्र ना करो, मैं एक दिन सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन दोस्तों, शायद उनको खुद भी नहीं पता था कि वो वक्त को ऐसा बदलेंगे जिसकी मिसाल सदियों तक दुनिया एक दूसरे को देती रहेगी। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एम्बापे के पिता एक फुटबॉलर कोच थे, तो एम्बापे को भी बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। मात्र 6 साल की उम्र में पिता के साथ फुटबॉल खेलने के लिए 12 किलोमीटर रोज पैदल जाते थे, क्योंकि उनके घर से स्टेडियम की दूरी लगभग 12 किलोमीटर ही थी। फुटबॉल ग्राउंड पर मेहनत इतनी करते थे कि हर कोई उनको देखकर उनके पिता से ये कहता था कि तुम्हारा बेटा हट्टी और जिद्दी है, और इसकी जिद ही इसको एक दिन विश्व का महान खिलाड़ी बनाएगी। दोस्तों, कहते हैं पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एम्बापे बचपन से ही अपना आइडियल मानते थे। रोनाल्डो के लिए उनकी दीवानगी इस हद तक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो बचपन में जिस कमरे में सोया करते थे उसकी दीवारों के चारों तरफ उन्होंने रोनाल्डो की ही तस्वीरें लगाई हुई थी। उनकी माँ उनको एक बेहतरीन फुटबॉलर बनता हुआ देखना चाहती थी और उन्हें यकीन था कि उनका बेटा एम्बापे एक दिन जरूर कामयाब खिलाड़ी बनेगा। एम्बापे बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि वो एक दिन उस लेवल तक जरूर पहुंचेंगे जहां वो अपने आइडियल, अपने आदर्श रोनाल्डो से फेस टू फेस मुलाकात कर सके। और दोस्तों, जब आगे चलकर जिनेदिन जिदान ने उन्हें रियल मैड्रिड के साथ प्रैक्टिस करने का ऑफर भेजा, तो पहली बार केलियन एम्बापे अपने आइडियल क्रिस्टियानो रोनाल्डो से सिर्फ ना मिले बल्कि उनके साथ खेले भी। और कहते हैं इसके बाद एम्बापे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फुटबॉल की दुनिया में नाम कमाते चले गए। मात्र 18 साल की उम्र में साल 2017 में उन्होंने अपने देश फ्रांस के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप में अकेले अपने दम पर फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया। साल 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस को अकेले अपने दम पर न सिर्फ फाइनल तक ले गए बल्कि अर्जेंटीना के खिलाफ अंत तक डटकर खेलते रहे। दोस्तों, भले ही ये फाइनल मुकाबला
फ्रांस हार गया हो, मगर एम्बाप्पे के खेल ने दुनिया को उनका मुरीद बना दिया है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस फीफा वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे ने सर्वाधिक 9 गोल मारकर न सिर्फ गोल्डन बूट जीता, बल्कि वो ऐसा करने वाले फुटबॉल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। जानकारी के लिए बता दें, उन्होंने अब तक कुल 2 वर्ल्ड कप खेले हैं, जिनमें उन्होंने कुल 12 गोल मारे हैं। मात्र 24 साल की उम्र में वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल मारने वाले खिलाड़ियों में उन्होंने मेस्सी और रोनाल्डो जैसे दिग्गजों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है, और उनको उनकी बेहतरीन खेल के बदौलत आने वाले कल का लीजेंड कहा जा रहा है, जो कि मेस्सी और रोनाल्डो के बाद फुटबॉल की दुनिया पर राज करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केलियन एम्बाप्पे अपने खेल को यूं ही बरकरार रख पाएंगे? आप मेस्सी, रोनाल्डो, एम्बाप्पे में से किसको ज्यादा पसंद करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।